पीएम मोदी यूरोप के 3 दिन के दौरे पर हैं, जहां आज वो जर्मनी में हैं। पीएम मोदी बर्लिन पहुंच चुके हैं और वहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बर्लिन पहुंचे हैं, पीएम मोदी की 6 तस्वीरें आप देखिए। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जब वो होटल पहुंचे, इंडियन डायस्पोरा मौजूद था, बच्चे मौजूद थे उनके स्वागत के लिए। बड़ी संख्या में भारतीय पहुंचे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। शानदार स्वागत किया गया, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। पीएम मोदी बच्चों से भी मिले, कई लोगों ने पीएम के साथ सेल्फी ली और ऑटोग्राफ भी ली। तो पीएम जिस होटल में रुके हैं, उस होटल के बाद भारतीयों की बड़ी भीड़ है। पीएम मोदी का बर्लिन पहुंचने पर भव्य स्वागत भी हुआ है और लोगों में खासा उत्साह है। बर्लिन से जी मीडिया संवाददाता सिद्धांत सिब्बल की ये रिपोर्ट। देखिए, जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करा जा रहा है। जो डायस्पोरा के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इस तरीके से कर रहे हैं, गरबा डाल के कर रहे हैं। और उसमें जर्मन्स भी अब ज्वाइन कर गए हैं, आप देख सकते हैं। काफी एक्साइटमेंट है इस पूरे इवेंट को लेकर। आइए जानते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से वो काफी एक्साइटेड है इसको लेकर, पर अंदर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको एक व्यू अच्छा मिलेगा प्रधानमंत्री को कैसे स्वागत करा जा रहा है। गरबा डालकर यहाँ पे लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हुए हैं, काफी खुश लग रहे हैं। डायस्पोरा के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप बात करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको प्रधानमंत्री का स्वागत करकर? बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं मेरा उत्साह। आप देख सकते हैं मेरा उत्साह प्रधानमंत्री जी के लिए। कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे प्रधानमंत्री? ये तैयारी सिर्फ 2 दिन की है कोरियोग्राफी की। हम अभी तो स्वागत कर रहे हैं उनका गुजराती ट्रेडिशनल गरबा करके, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक बार देख ले तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हमने 2 दिन से भी प्रैक्टिस करी है और गुजराती तो गुजराती क्या जोश में होता है गरबा। प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का होटल बिल्कुल सामने और शायद प्रधानमंत्री आपको देख रहे हो? वाह, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इतनी तरक्की हुई है देश में और वी आर एबल टू डू दिस। अभी यहाँ पे जो इंडिया का कल्चर है उसे यहाँ पर ला सक रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे काफी कलर है, काफी कलर आप देख सकते हैं, और ये कलर भारत का रंग है। एक उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पे, सेलिब्रेशन हो रही है, और ये सेलिब्रेशन हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बर्लिन विजिट को लेकर। ये जो डायस्पोरा का जो इवेंट हो रहा है बिल्कुल प्रधानमंत्री के होटल के सामने हो रहा है, और यहाँ पे डायस्पोरा का की उम्मीद यही है कि वो प्रधानमंत्री को स्वागत कर सके। हुआ है ब्रैंडनबर्ग गेट के सामने, यहाँ पे भारत का कल्चर दिखाया जा रहा है। जो यहाँ पे डायस्पोरा है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार किया, और यहाँ पे पूरा दिन एक तरह से ब्रैंडनबर्ग गेट के सामने सेलिब्रेशन चली। भारत की विविधता और डाइवर्सिटी को दिखाया गया इस पूरे इवेंट में, और कहीं ना कहीं फोकस कनेक्ट है, पीपल टू पीपल कनेक्ट जर्मनी और भारत के बीच में। इसलिए ऐसे कल्चर इवेंट्स यहाँ पे जो हो रहे हैं इतने खूबसूरत हैं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जर्मन लोग जो हैं यहाँ पर आए वो भी इसको देखने के लिए अब रुक गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज, बर्लिन, जर्मनी। तो देखिए, हाथ में प्लेकार्ड लेकर के, बैनर लेकर के, ढोल लेकर के, गरबा लेकर के तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं, और पीएम के स्वागत के लिए पीएम के होटल की बाहर की तस्वीरें। तो पीएम का 3 देशों का ये दौरा चल रहा है, यूरोप का दौरा, और इस दौरे के मायने क्या आइए हम आपको बता देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधों पर असर ना पड़े, इसको लेकर के एक बहुत बड़े तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यूरोप किस तरीके से भारत को देखता है, भारत के साथ क्या उसके संबंध है, और वो भारत की पोजीशन की न केवल रिस्पेक्ट करता है, कद्र करता है, बल्कि उसको रिकॉग्नाइज भी करता है। वहीं रूस के समर्थन पर
यूरोप से दूरी ना बढ़ पाए, किसी तरीके की खटास ना आ पाए। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत को अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि पहले ही भारत कह चुका है कि वहां पर किसी भी तरीके का अगर कोई नरसंहार हिंसा हो रही है तो वो तुरंत बंद होनी चाहिए। यूरोप के तीन देशों से संबंध और मजबूत करना इस वक्त भारत की प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी। फ्रांस से सामरिक मदद में परेशानी न आए, क्योंकि फ्रांस से अभी तमाम और हमारी डिफेंस डील बाकी है। इस तरह की कोई परेशानी ना है उसको लेकर के भी फिलहाल ये दौरा मायने रखता है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।